2019 दिसंबर में ये जब सीए कानून पारित हुआ था, उस समय भी हमारे पार्टी सीपीआईएम ने उसका विरोध किया, और विरोध का आधार ये था कि हिंदुस्तान की नागरिकता कभी भी धर्म के साथ नहीं जोड़ा गया है, और जिस रूप में ये कानून लाया गया था वो बहुत ही भेदभाव आधारित था। आज जब पता चला कि वो पूरा नोटिफिकेशन करके वो सारा कुछ लागू कर रहे हैं, उसका भी हम उतना ही विरोध करते हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुक्रवार को दावा किया है कि केंद्र सरकार की नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत 14 लोगों को नागरिकता देने की घोषणा एक झूठ है। उन्होंने इस घोषणा को चुनावों के दौरान राजनीति करार दिया। लेकिन क्या आप भी मानते हैं कि केंद्र सरकार द्वारा सीएए के तहत नागरिकता देने की घोषणा वास्तव में एक झूठ है? क्या ममता बनर्जी की सीएए को लेकर आकांक्षाएं जायज हैं, और क्या सीएए का इस्तेमाल चुनावी फायदे के लिए किया जा रहा है? आइए शुरू करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका एनी। पश्चिम बंगाल की रैलियों में उन्होंने दावा किया है कि केंद्र सरकार उन लोगों को विदेशी घोषित करने के बाद सीएए के तहत नागरिकता पाने वालों को जेल में डाल देंगी। बीजेपी पर भरोसा मत करें, सीएए को 2019 में अधिनियमित किया गया था। हालांकि इस साल मार्च में केंद्र सरकार ने आखिरकार इसके नियमों को अधिसूचित किया है। यह कानून अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों के लिए, जो सताए गए थे और 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में प्रवेश कर चुके थे, नागरिकता प्राप्त करना आसान बनाता है। ममता बनर्जी का दावा है कि यह कानून मुसलमानों के साथ भेदभाव करता है। उन्होंने कसम खाई है कि वह पश्चिम बंगाल में कानून लागू नहीं करेंगी, और अगर इंडिया गठबंधन सत्ता में आता है तो इसे रद्द कर देंगे। बुधवार को केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत 14 लोगों को नागरिकता प्रमाण पत्र का पहला सेट सौंपा। बीजेपी ने अपने लोकसभा चुनाव घोषणा पत्र में वादा किया है कि वह सीएए के तहत पात्र लोगों को नागरिकता प्रदान करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने अपनी चुनावी रैलियों में कहा है कि सीएए को रद्द नहीं किया जाएगा। आपको बता दें कि सीएए एक विवादास्पद कानून है जिसने भारत में बड़े पैमाने पर विरोध देखा है। आलोचकों का तर्क है कि यह कानून भेदभावपूर्ण है और मुसलमानों के खिलाफ है। सरकार ने इस तर्क का खंडन करते हुए कहा है कि कानून पड़ोसी देशों में धार्मिक उत्पीड़न का सामना कर रहे अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए। पश्चिम बंगाल में सीएए का विशेष विरोध हुआ है, जहाँ ममता बनर्जी ने कानून को लागू नहीं करने की कसम खाई। उन्होंने यह भी कहा है कि अगर इंडिया गठबंधन सत्ता में आता है तो वह कानून को निरस्त कर देंगे। ऐसे में ममता बनर्जी के आरोपों को कुछ लोगों ने केंद्र सरकार को बदनाम करने की कोशिश के तौर पर देखा है। दूसरों ने तर्क दिया है कि उनकी चिंताएं जायज हैं और सीएए का इस्तेमाल मुसलमानों को निशाना बनाने के लिए किया जा सकता है। आपको बता दें कि बीजेपी ने ममता बनर्जी के आरोपों को झूठा और भड़काऊ करार दिया है। पार्टी ने कहा है कि सीएए किसी भी भारतीय नागरिक के अधिकारों का उल्लंघन नहीं करता है, और यह धार्मिक उत्पीड़न का सामना कर रहे अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए आवश्यक है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि सीएए को अभी तक अदालत में चुनौती नहीं दी गई है। कानून के प्रभाव का आकलन करना और इस पर जनता की राय बनाने से पहले इसके कार्यान्वयन को देखना महत्वपूर्ण है। तो इस तरह हमने जाना कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार द्वारा नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत 14 लोगों को नागरिकता देने की घोषणा को झूठ और राजनीति करार दिया है। उन्होंने लोगों को सीएए के तहत नागरिकता के लिए आवेदन करने के खिलाफ चेतावनी दी है। ममता बनर्जी के आरोपों से सीएए और केंद्र सरकार के इरादों के आसपास विवाद और भ्रम पैदा हो गया है। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस मुद्दे से जुड़े कोई भी सवाल या अपने विचार आप हमें हमारे कमेंट में लिख सकते हैं, और इसी तरह की देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले समय में आपको हमारे महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन समय से प्राप्त हो सके।